हे एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। सो आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस के सिलेबस को एक साल में कैसे कंप्लीट करें, जैसे कि 2024 में हम अपना एक अच्छा एग्जाम दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा किया मेल कमेंट बॉक्स में और जो है टेलीग्राम पर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर बताया जाए। और जिस तरह से मैंने प्लान बना के आप लोगों को बताया है उसको फॉलो करना, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे और रिवीजन टेस्ट और सारी चीज़ें आपको फिर टाइम मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ना पूरा जो है स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक देखना। अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि आजकल के बच्चों को देखते हैं कि वो वीडियो देखना नहीं, वो स्पीड में करके देखते हैं क्योंकि उनको शॉर्ट देखने की आदत पड़ गई है, तो आप ना ऐसा करेंगे कि स्पीड में ही करके देख लेना, बट पूरी वीडियो देखना, लास्ट तक पूरा जितना मैंने बताया उसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पास रख लेना, चिपका लेना दीवार पे, और उसके बाद उसको कंप्लीट करना। ये पूरा पीसीएस का 1 ईयर प्लान रहने वाला है, ना कि 5 ईयर प्लान। अब 1 ईयर प्लान जिस तरह से है, और बुक लिस्ट वगैरह आप अपना जो है मैं आपको फिर से शेयर कर दूंगी, इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है बट अभी मैं फिर से कल आपको शेयर कर दूंगी बुक लिस्ट वगैरह। तो और आपको 6-7 दिन का समय मिला, आप इसमें अच्छे से अपना सोच विचार के माइंड सेट करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस का हम पूरे एक साल का सिलेबस क्या कैसे मैनेज करके लेके चल सकते हैं। जो है कितने हम दिन में किस सब्जेक्ट को पढ़ें और कितने मंथ में किस सब्जेक्ट को पढ़ें, जैसे हमने अभी आपको बताया, तो उस हिसाब से अब हम बात कर लेते हैं। और पूरा ये एक साल का प्लान रहने वाला है। पहले मैंने ये जून से बनाया हुआ था बट अभी जुलाई से मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि जो इधर अपना 5-6 दिन जो बचा हुआ है उसमें आप अपना पीडीएफ बहुत ज़रूरी है निकलवाना, ठीक है, सिलेबस का पीडीएफ आपके पास होना ज़रूरी है। आप इसमें कंजूसी मत करना कि आपके पास पीडीएफ नहीं है, ये आपको 10-20 रुपए में निकल आएगा, ठीक है। और मैंने बहुत सारे अलग अलग कोचिंग संस्था के पीडीएफ भेज दिए हैं और बहुत डिटेल में भेज दिए हैं कि किस टॉपिक से कहाँ कहाँ क्वेश्चन आते हैं, मैंने इसका भी भेज दिया है। और मैं फिर से ढूंढ के और फिर से मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी। तो आप पहले तो पीडीएफ निकालेंगे और फिर उसके बाद जो है एडवांस मेरे द्वारा बताई गई या फिर किसी और के द्वारा बताई गई जो है एडवांस बुक है या एनसीईआरटी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं वो आप रख लें अपने पास। उसके बाद जो है खुद को डिस्टर्ब ना करते हुए जिस तरह से मैं बताऊंगी कि कितने दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, ठीक है, तो आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम देर ना करते हुए आपसे बात करते हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि कंजूसी मत करना पीडीएफ निकलवाने में, और आप बहुत अच्छे से तैयारी को कर सकते हैं और एक साल में आपका हो सकता है। तो इस पर हम चलो अब बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये रहा मेरा जो है पीसीएस 2024 का पूरे एक साल का प्लान। आप कुछ ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो बेफिक्र होके आप बस मेरी बातों को अच्छे से सुने और इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें अपने पास, और या तो जो है इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी तो आप वहाँ से ले लें, वरना मैं कहूँगी कि आप इसको नोट करके वो अच्छे से दीवार पे चिपका दो, ठीक है। और मैं जो सिलेबस आपको बता रही हूँ सिलेबस आप ना लेंगे, ठीक है, मैं सिलेबस आपको कैसे करना है ये भी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा सिलेबस की पीडीएफ निकलवा के। देखो, एक सिलेबस की पीडीएफ आप निकलवाएंगे, ठीक है, उसको आप रखेंगे जो है एक को ना रखेंगे अपना जो है दीवार पे चिपका के, ठीक है, और दूसरे को निकलवा के रखेंगे ना वो अपने बैग में या बिस्तर पे ऐसी जगह रखेंगे जिससे आप ना कहीं आते जाते क्लास कोचिंग कहीं भी आप उसका यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपके पास पीडीएफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्री मेंस दोनों का होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब बुक पढ़ेंगे ना तो ना कि प्री की ही तैयारी करेंगे मेंस की तैयारी करेंगे। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ प्री के लिए कितना, आप देख लो प्री के लिए एक नोट्स आपके हर एक सिलेबस के कंप्लीट होने चाहिए, और मेंस की सिर्फ तैयारी आपको इस तरह से करनी है कि हाँ अगर मान लो किसी टॉपिक से ना आ गया लिखने को कि हमको इतने टॉपिक जो है इस टॉपिक से ये आंसर देना है, तो आप इतना क्षमता रखें बुक पढ़ने के बाद कि आप 250 जो है वर्ड में आप एक आंसर राइटिंग अच्छा अपना लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप अपना जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो ये रही हमारी पीडीएफ की बात। अब हम बात कर लेते हैं 1 ईयर प्लान का अपना, ठीक है, अब लेट हो रहा होगा आप लोगों को, तो चलो ये रहा पूरा 1 ईयर का प्लान। ये आप देख सकते हैं मैंने 1 जुलाई से लिया, आपको 5-6 दिन का मौका इधर मैंने जून में आराम से दे दिया, 24 जून है तो आपको आराम से जो है मिल जा रहा है टाइम, तो आप अपने इस टाइम में बुक लिस्ट पीडीएफ और सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकते हैं। अब आप 1 जुलाई से लेकर के तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है, आप पहले तो शादी फंक्शन सारी चीज़ें छोड़,
छोड़ के इस तरह से तैयारी शुरू करेंगे कि 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक 15 दिन में एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, आया समझ में आपको कि आप 15 दिन के अंदर, देखो मैंने यहाँ बगल में डेट भी रखा है कि आप काउंट ना कर पाएँ कि 1 और 15, तो 15 दिन में आपको एंशियंट करना है 1 जुलाई में। उसके बाद 16 जुलाई से 26 जुलाई यानी कि आपको 10 दिन में मिडवेल करना है। अब ये कैसे करेंगे, देखो आपको पढ़ना पड़ेगा वरना सिलेबस 1 साल में कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है 27 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक आपको 20 दिन का समय दिया जाएगा और 20 दिन में आप मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करेंगे। मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने 20 दिन इसलिए आपको दिया क्योंकि मॉडर्न इंडिया से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, तो मॉडर्न इंडिया को और अच्छे से करना ज़रूरी था इसलिए 20 दिन का समय इसमें दिया गया है आपको। उसके बाद जो है 17 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक आपको 5 दिन का समय दिया गया है आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आप जब हिस्ट्री पढ़ लिए होंगे ना तो आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए आपको 5 दिन का समय इसमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जब आप जो है अगस्त आपका चलने लगा ना महीना, उसके बाद जो है 23 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक आप क्या करेंगे, 5 दिन का समय आपको दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं 5 दिन का समय दिया जा रहा है और आप वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मेंस में आते हैं 1-2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं आते कभी कभार, तो आप उस हिसाब से इसलिए आपको 5 दिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को ही वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर करो, ना कि सारा पढ़ने की ज़रूरत है, जितना आपके सिलेबस में दिया है बस उतना ही। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है अगस्त आपका कंप्लीट होने वाला है, जैसे जुलाई कंप्लीट हो गया अब आपका अगस्त कंप्लीट होने वाला है, तो आप 29 अगस्त को आप फिर शुरू करेंगे और अगस्त आपका कंप्लीट हो जाएगा और 3 सितंबर तक आपको 5 दिन दिया जा रहा है, आप जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस तैयारी कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो ये इसको आप अलग से, इसका आपको अलग से दिया जा रहा है समय, 5 दिन में इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपको 4 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर, मैं हिंदी में बोल दे रही हूँ, आपको 4 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक आपको 15 दिन का समय दिया जा रहा है, इसमें आप अपना एथिक्स कंप्लीट करेंगे और अच्छे से करेंगे। 15 दिन बहुत है, आप बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर आप जो है इसके लिए आप कोई वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको जो है वीडियो मिल जाती हैं और यूट्यूब से पढ़ाई अच्छी होती है, ट्रस्ट यूट्यूब पर करो पढ़ाई अच्छी हो जाती है। हमको यूट्यूब पे क्या होता है कि बस बेसिक नॉलेज ही कवर करना होता है एंड एट द एंड हमको बुक ही पढ़ना है, तो इसलिए बेसिक नॉलेज यूट्यूब से कर लो और उसके बाद अपनी जो है हिम्मत करके और बुक कंप्लीट कर लो, तो ऐसे ही किया जाता है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि 20 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक आपको 10 दिन का समय दिया गया है, इसमें आप पॉलिटी अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब पॉलिटी में आपको इंपॉर्टेंट जो है वो आप उतना इंपॉर्टेंट मतलब नोट करते जाएं या फिर बुक कंप्लीट करते जाएं। ठीक है, और आपको जो है सितंबर ख़त्म हो गया आपका, जुलाई अगस्त सितंबर, देखो जुलाई ख़त्म आपका, अगस्त ख़त्म आपका, सितंबर ख़त्म, 3 महीने में आपके देख सकते हैं कितने ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गए। ये आप देख सकते हैं एंशियंट मिडवल मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट, वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंप्लीट, एथिक्स कंप्लीट, पॉलिटी कंप्लीट। आप देख सकते हैं आपके हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर 2 हो गए, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो एक मिनट में इसको साफ कर दूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपको 8, आपका 8 जो है सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब आप 3 महीने में, अब आप नेक्स्ट पर जाएंगे तो सितंबर के बाद जो है आता है महीना अक्टूबर का। अब आप अक्टूबर में क्या पढ़ेंगे ये आपको बता दे रहे हैं कि अक्टूबर में आप जो है 1 अक्टूबर से लेकर के जो है 20 अक्टूबर तक आपको टोटल 20 दिन दिया जाएगा ज्योग्राफी करने के लिए, क्योंकि ये सब जो है सब्जेक्ट कोर, मतलब एक कोर सब्जेक्ट, इससे क्वेश्चन और अच्छे खासे जो है मिलते हैं, प्री मेंस हो जिसमें भी, तो इसलिए आपको इनमें ज़्यादा समय दिया गया है। उसके बाद जो है 21 से लेकर के अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, यानी कि 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर आपको 10 दिन दिया गया इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के लिए 5 से 7 दिन इनफ है, बट 10 दिन दे दिया कि हाँ थोड़ा सा बीच में जो भी आपका रह जाए किसी भी सब्जेक्ट का तो इसमें कवर कर लेना। ठीक है, इस तरह आपको करना ही करना है, टारगेट बना के चलना ही चलना है। उसके बाद जो है आप नवंबर में पहुंच जाएंगे, एकदम बढ़िया ठंड वाला मौसम है, तो ये आप पहुंच गए नवंबर में, 1 नवंबर को आप पहुंच गए और 1 नवंबर से 5 नवंबर तक आपको 5 दिन का समय दिया जाएगा और आप इसमें साइंस कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, बट आपको 5 दिन के अंदर जो है साइंस कंप्लीट करना है और आपको ये करना ही पड़ेगा। देखो मैंने आपका एक साल का, मैं आगे चलो बात करती हूँ इस टॉपिक पर, पहले ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो उसके बाद जो है आप को फिर 6 नवंबर से 25 नवंबर आपको टोटल 20 दिन का समय दिया रहा है, बहुत दिया जा रहा है। आप इसमें गवर्नेंस, सोसाइटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आप इसमें जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है,
जो जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना, इसलिए आप जो है 6 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक, ठीक है। 26 नवंबर से आप 15 दिसंबर तक क्या 20 दिन का समय आपको दिया जाएगा, इसमें आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स टफ है तो मैं कहूँगी कि आप ना यूट्यूब सर्च करेंगे और आपको फ्री में अच्छी क्लासेस मिल जाती है। मैंने भी अपना यूट्यूब से ही कंप्लीट किया था, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, जो फ्रंट पे आया मैंने उन्हीं से पढ़ के और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैंने बुक कंप्लीट करी। तो आप बुक के बारे में पूछेंगे कौन सी बुक क्या है, तो आप परेशान मत हो, मैं अभी बता दूंगी कुछ बुक के नाम और कुछ अलग से वीडियो बता दूंगी, तो बुक का टेंशन मत लेना। और ये हो गया आपका इकोनॉमी का। फिर आप ना दिसंबर में तो चल ही रहे हैं, 16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आपको टोटल 16 दिन दिया जाता है। आप इसमें क्योंकि आपका ऑप्शनल तो है नहीं ना, इसलिए आपको यूपी स्पेशल आपको पढ़ना है, 5 और 6 जो पेपर हैं उसके लिए। अब मान लो कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आपको 2024 का 1 जनवरी से 15 मई, मान लो 15 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो आपको टोटल 136 दिन मिल जाएंगे। आप इसमें रिवीजन करेंगे, जितने नोट्स बनाए हैं जो पढ़े हैं, PYQ लगाएंगे प्रीलिम्स के लिए ही, और मॉक टेस्ट लगाएंगे और CSAT लगाएंगे। ये फिर आपको 1 जनवरी से लेकर के मई तक आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए करना है। अभी तक आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों साथ में लेकर चल रहे थे, तो इस तरह से कुछ आपका प्लान होना चाहिए। देखो बुक लिस्ट आपके पास मैक्सिमम होगी और मैं नेक्स्ट कल वीडियो में आपको बुक लिस्ट अच्छे से शेयर कर दूंगी, ठीक है, कौन सी बुक कौन से ली, क्योंकि मैंने आपको जुलाई का पूरा समय दिया है इधर, जून का सॉरी, तो आप जून में बुक लिस्ट वगैरह सबका नाम इकट्ठा लिख लेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे, ठीक। तो ये रहा कुछ एक साल का प्लान। देखो हर कोई कहता है कि प्लान बनाओ उसके बाद जो है उस प्लान पर काम करो, समझे। तो आप, मैंने एक साल का प्लान बना दिया है, अब आप जो है, मैंने फिर देख लो महीने मतलब दिन का भी प्लान बना दिया, डेली का मैंने भी उसका वीडियो बना के आप लोगों को बताया हुआ, डेली किस तरह से पढ़ें, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दें। बट ये आपकी क्षमता के अनुसार करना है कि आप कैसे अपने आप को टाइम देते हैं, सारे झमेलों से निपट के आप खुद को कितना टाइम देते हैं वो भी पढ़ने के लिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ इस तरह से आप ना जो है पूरे एक साल का प्लान लेकर के चल सकते हैं, और ये उम्मीद तो रखो ही, लेकिन जो है इस प्लान पे भरोसा रखो, ये प्लान बहुत अच्छा है और इस प्लान से आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपका बचेगा है नहीं। और रही बात जो है, आप पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपके पास निगेटिव एनर्जी है, ठीक है, आपके पास जो भी, जैसे कि आप रिजल्ट की टेंशन करते हैं, ठीक, जैसे कि तैयारी कर रहे हैं होगा कि नहीं होगा, जैसे कि आप ना करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, घर वालों को क्या जवाब देंगे, रिज़ल्ट क्या होगा, मेंस पहुंच पाएंगे कि नहीं, इंटरव्यू पहुंच पाएंगे कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में उतर करके ये निगेटिव एनर्जी आप अपनी पढ़ाई पर भारी करके आप अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं। तो ये पहले तो इस तैयारी शुरू करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आप रिवीजन कर लेंगे, टेस्ट लगा लेंगे, आपको दिखेगा अपने टेस्ट में कि आपका नंबर घट रहा है बढ़ रहा है, आप फिर से उस पर काम करेंगे, तो आप फिर कहाँ रह जाएंगे, कहीं नहीं रह जाएंगे। इसलिए आप पहले ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, और जो है बार बार पढ़ो। मैंने पूरा एक साल का ये देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, मैंने पूरा एक साल का प्लान बनाया हुआ है। आप इसको क्या करें, कॉपी में लिखें अपने हाथ से और एक दीवार में चिपका दें और एक जो है अपने पास रख लें, और रोज़ जब भी आपका कंप्लीट होना तो जहां आप लिखें इसे वहां, जैसे आपका 10 दिन का टारगेट मैंने दिया एनवायरमेंट का, 10 दिन में कंप्लीट टिक लगा दें, साइंस कंप्लीट टिक लगा दें, ये कंप्लीट टिक लगा दें। देखो आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी इन सब्जेक्ट के पीछे, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बस आपका जितनी जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर आप बस रिवीजन और टेस्ट देंगे, यही आपका है। तो इस तरह से कुछ आप अपने प्लान को लेकर के चल सकते हैं, और बताना ये कैसा लगा आपको, ठीक है। और आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, तब आएगा नोटिफिकेशन। आप बार बार और मेल वगैरह भी करते हैं तो ठीक है, इस तरह से आता है नोटिफिकेशन। और रही बात आप ना इसके बारे में बोल रहे थे, आपने मैसेज किया टेलीग्राम पे, फिर कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे, फिर मेल पे बहुत सारे मैसेज आए कि 1 ईयर प्लान बता दीजिए, बन नहीं पा रहा है, तो ये बेस्ट प्लान है, आप इसको यूटिलाइज़ करो, ठीक है। तो अब हम कल मिलते हैं, सब्जेक्ट बताएंगे, बुक लिस्ट बताएंगे PCS के लिए। तब तक के लिए राधे कृष्णा।